दिल्ली आज प्रदर्शन की गिरफ्त में है, प्रदर्शन का दिन है। 2 फरवरी ऐलान किया था आम आदमी पार्टी ने, लेकिन बीजेपी भी आम आदमी पार्टी को काउंटर करने के लिए ऐलान कर चुकी है कि वो भी प्रदर्शन करेगी। इस वक्त आईटीओ मार्ग दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के पास हूँ, आईटीओ के पास, और ये देखिए बीजेपी की तरफ से, दिल्ली बीजेपी की तरफ से ये बड़ा सा पोस्टर लगा दिया गया है। शराब घोटाला, दवाई घोटाला, क्लासरूम घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, ऑटो परमिट घोटाला, डीटीसी घोटाला, जासूसी घोटाला, पैनिक बटन घोटाला और आगे केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों और जांच से भागते मुख्यमंत्री के खिलाफ विशाल प्रदर्शन। और बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, वो यहां से आएंगे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ चलते हुए आएंगे। ये पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है। मैं आपको इस वक्त दिखाती हूँ तस्वीरें, पैरामिलिट्री फोर्स तक तैनात हैं। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के 1000 जवान तैनात हैं। देखिए एहतियात बढ़ता जा रहा है सुरक्षा के लिहाज से, ये बहुत अहम कदम है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे आइए तस्वीरें दिखाती हूँ। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कैमरा पर्सन मस्तान से, देखिए तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर कितनी ज्यादा पुलिस फोर्स तैनात है। इस वक्त हम देख पा रहे हैं ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है और यहीं पे ही आप मुख्यालय है पास में। बीजेपी ने ऐलान किया था कि आप मुख्यालय के पर धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। ये देखिए पैरामिलिट्री फोर्स कितनी ज्यादा तैनात है यहाँ पर, हर एहतियात बढ़ता जा रहा है और फूक फूक का कदम उठाया जा रहा है। दिल्ली एक तरह से आतिशी ने ट्वीट भी कर दिया है, आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने कहा है कि बीजेपी को क्या डर है, क्यों इस तरह रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि आज बड़ा प्रदर्शन है, विशाल प्रदर्शन है दोनों की ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से भी और बीजेपी की ओर से भी। बीजेपी का कहना यह है कि दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और इसीलिए यह विशाल प्रदर्शन रखा गया है। तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो मेयर चुनाव में, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली हुई थी, उस धांधली के खिलाफ ये बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन है। और देखिए पुलिस फोर्स बड़ी तादाद में तैनात है, यहां पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात है, जो आरएएफ के जवान है वो भी तैनात है। ये समझा जा सकता है कि ये स्थिति समझी जा सकती है कि इस वक्त दिल्ली की राजनीति का जो पारा है वो चढ़ता जा रहा है। बेशक दिल्ली में ठंड ज्यादा हो, लेकिन राजनीति गर्मा चुकी है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। और यही तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं कि इस वक्त दिल्ली में इतनी ज्यादा पुलिस फोर्स है, जो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों प्रदर्शन जो हो रहा है, पूरी तरह से दिल्ली प्रदर्शन में आने वाली है। और आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी ने बड़ी धांधली की है और उसके खिलाफ ये हल्ला बोल है उसका। तो बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोल है बीजेपी का। तो दोनों ओर से ये टक्कर देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन मस्तान के साथ निधि वासंदानी, दिल्ली।